सो नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ शुभे आपके साथ। कहते हैं कि फरवरी का महीना प्यार का महीना होता है, इश्क का महीना होता है, मोहब्बत का महीना होता है और आज इस महीने का सबसे खास दिन वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे को लेकर देश भर में और राजधानी पटना में भी कई सारी तैयारियां की जा रही है और इस वक्त में राजधानी पटना के सबसे ऊंची इमारत यानी कि विश्वमान भवन में स्थित पिंड बालूची रेस्टोरेंट में हूँ। पिंड बालूची रेस्टोरेंट के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, ये एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है और बेहद ही खासियत इसमें काफ़ी कुछ खास है और वैलेंटाइन डे को लेकर भी यहाँ पर खास तैयारियाँ की गई है। अलग थीम देकर पूरी तरीके से डेकोरेशन किया गया है ताकि कपल्स यहाँ पर आए, एंजॉय कर पाएँ और इतना ही नहीं कपल्स के लिए कुछ खास तैयारियाँ हैं, पैकेजेस हैं और शाम के वक्त में कैंडल लाइट डिनर की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में अभी फ़िलहाल क्या कुछ थीम रख कर किस तरीके से रेस्टोरेंट को बिल्कुल कपल्स फ्रेंडली बनाया गया है आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बलून्स का डेकोरेशन है, इश्क का रंग लाल होता है इसलिए लाल और उजले रंग के बलून से चारों तरफ सजावट की गई है और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। एक तरफ जहाँ गंगा नदी है वहीं दूसरी ओर लोग यहाँ पर बैठकर आसानी से इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी हार्ट शेप के बलून्स लगे हुए हैं यानी कि पूरी तरीके से कपल फ्रेंडली रेस्टोरेंट को सजाया गया है। इतना ही नहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग बैठे हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई हुई है और अगर रेस्टोरेंट के थीम को भी देखा जाए तो यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग को भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ आगे जितना मैं बढ़ती जाती हूँ मुझे और भी अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं इस टेबल को अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाने के लिए, बेहद ही थीम बनाकर इसको सजाया गया है और रोज़ पेटल्स वगैरह इस्तेमाल करके मुझे लगता है कि इन्होंने ख़ास तौर पर इसे डेकोरेट कराया है। वाकई आज इश्क का दिन है, मोहब्बत का दिन है, बेहद ख़ास दिन है, कपल्स आते हैं, इंजॉय करते हैं और इस रेस्टोरेंट के बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। अगर यहाँ से नज़ारे को भी देखा जाए तो उस साइड पूरे राजधानी पटना का नज़ारा दिख रहा है। कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर भी हैं, वो भी यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे कि इस वैलेंटाइन को वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर आपका नाम? रोहित सिन्हा। आज वैलेंटाइन डे है इसलिए बाहर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली के साथ। फैमिली के साथ पिंड बालूची रेस्टोरेंट में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले यहाँ कभी आया है? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम हाँ। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अभी पूरे पटना का नहीं, अभी आएगा लंच, अभी हाँ अभी आने वाला है। और आप बताइए मैम? अच्छा रहा है यहाँ पे का, अच्छा है, पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। वैलेंटाइन डे में सर की तरफ से आपको क्या करना है? अभी तो आई है तुरंत हम लोग, बाहर में ये सेलिब्रेशन। हाँ सेलिब्रेशन, हाँ। और बच्चे भी हैं यहाँ पर और इसके साथ साथ मैं और आगे बढ़ती हूँ और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से वो राजधानी पटना का नज़ारा देखते हुए खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ इस वैलेंटाइन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वैलेंटाइन डे के दिन आप पिंड बालूची आई हो, इससे पहले भी आपने कभी यहाँ पर आया है? हाँ आया है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब खाने का टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के बारे में और कुछ सोचा है? शाम की कुछ प्लानिंग है? नहीं, मेरे पेरेंट्स के साथ वैलेंटाइन डे, लॉकडाउन में घर पे है, वर्क फ्रॉम होम भी है तो इसलिए फिर जब पटना में है तो फिर इन्हीं के साथ इंजॉय करने में बनता है। चलिए बहुत अच्छा, पेरेंट्स के साथ ही इंजॉय कर रही हैं। जनरली लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़कियां वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करती हैं लेकिन ये अपने पेरेंट्स के साथ बाहर से आई हैं और पिंड बालूची में ये सेलिब्रेशन इनके तरफ से हो रहा है। इसके अलावा और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से इस वैलेंटाइन को इंजॉय कर रहे हैं। जो एंजॉय कर रहे हैं अलग तरीके से वैलेंटाइन के इस थीम बेस्ड रेस्टोरेंट में, वाकई वैलेंटाइन डे का दिन बेहद ही खास होता है। दो प्यार करने वाले एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं और इस पिंड बालूची रेस्टोरेंट में तो नज़ारा ही कुछ और है। पूरी राजधानी पटना को आप देखते हुए इंजॉय करते हुए खा सकते हैं। एक तरफ गंगा नदी है, दूसरी ओर और भी शहर के हर कुछ लगता है मुझे, लगभग यहाँ से सब चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं और ऐसे में खाना खाने का मज़ा कुछ और ही होता है और इस खास दिन पर तो लोग अलग ही तरीके से इंजॉय कर रहे हैं।
और जिस तरीके से रेस्टोरेंट को कपल फ्रेंडली बनाया गया है, बेहद ही खास तरीके से लोग इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं और फैमिलीज भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर रही है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैलेंटाइन डे का मौका है और ऐसे में लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर आए हैं। मैम, आपका नाम? निहारिका जी। निहारिका जी, आप वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो बस बर्थडे सेलिब्रेट कर। बहुत अच्छी बात है कि बर्थडे के दिन आप वैलेंटाइन पर बाहर आए हो, तो ये आपकी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। हाँ। okay. और इससे पहले भी कभी पिंड बालू जी आया है आपने? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है बाहर। और ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है, कुछ एहसास हो रहा है रिवॉल्व होने का? हाँ, स्लो स्लो मगर फील हो रहा है। और ये जो थीम इन्होंने बनाया है वैलेंटाइन को लेकर, ये डेकोरेशन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी वैलेंटाइन को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और वाकई इस रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा ही कुछ और है। इससे पहले मैंने भी यहाँ पर आकर खाना खाया है, बहुत इंजॉय भी किया है, लेकिन आज की बात ही कुछ और है। जिस तरीके से इस पूरी रेस्टोरेंट को कपल फ्रेंडली बनाया गया है, अलग अलग तरीके से डेकोरेशन किया गया है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, शाम को यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर की भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ अभी मैं अपने कैमरे पर्सन से अनुरोध करूँगी ज़रा उस साइड का नज़ारा दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत नज़ारा ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। पूरी राजधानी पटना ही दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर खाना खाते हो बैठकर, तो वाकई ये बिल्कुल ही अलग और अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और मैं जहाँ पर खड़ी हूँ इस वक्त, धीरे धीरे हल्की हल्की स्पीड से ये रेस्टोरेंट जो है वो रिवॉल्व भी हो रहा है। और हार्ट शेप के बलून्स हैं, अलग तरह का थीम है, खूबसूरत सा ये रेस्टोरेंट। और लोग यहाँ पर मस्ती और मज़े करते दिखाई दे रहे हैं, खास करके कपल्स। ज़ाहिर सी बात है कि आज वैलेंटाइन डे है तो कपल्स की मौजूदगी ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन कुछ फैमिलीज़ भी यहाँ पर हैं जो खाना खा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। और राजधानी पटना में वैलेंटाइन डे को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से तैयारियां, इनकी गर्लफ्रेंड की तरफ से इन्हें सरप्राइज़ दिया गया है और एक लंच उन्हें सरप्राइज़ के तौर पर दिया गया है। तो वाकई इस रेस्टोरेंट का नज़ारा कुछ और ही है। लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, कपल फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ पिंड बालू जी के ऑपरेशन मैनेजर अमित जी हैं। अमित जी से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि और क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ इन्होंने वैलेंटाइन डे को लेकर स्पेशल जो इनके ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए किया है। इस वैलेंटाइन में हम ये कर रहे हैं कपल्स के लिए, एक तो पैकेज हमने इंट्रोड्यूस किया है वेज एंड नॉन वेज का। इसके अलावा इवनिंग में फ्रॉम 7 PM कैंडल नाइट का एक अरेंजमेंट है फैमिली एंड कपल्स फॉर एवरीवन। वैलेंटाइन इज जस्ट नॉट फॉर द कपल्स, इट्स फॉर द फैमिली ऑल्सो। तो आप आ सकते हैं विथ योर लव्ड वंस, विथ योर फैमिली, और यहाँ पर आप टाइम स्पेंड करें। एंड इट विल बी अ लाइव बैंड म्यूजिक फ्रॉम 7 to 10, सो इट्स लाइक अ कैंडल नाइट विद म्यूजिक। मीन्स आप पटना इन दिस कोविड सिचुएशन, ट्रैवलिंग इज़ रिस्की बट रिवॉल्विंग इज़ नॉट, उसमें आप आ करके आप इन्जॉय करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ ऑल द अरेंजमेंट दैट वी आर डूइंग फॉर दिस वैलेंटाइन। ओके, तो वाकई वैलेंटाइन को लेकर काफ़ी कुछ तैयारियां यहां पर की गई है और शाम का नज़ारा यहां पर कुछ और ही होगा। अभी भी आपने देखा कि कितनी खूबसूरत नज़ारे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो पूरे रेस्टोरेंट को ही बिल्कुल कपल फ्रेंडली बनाया गया है, डेकोरेशन वैलेंटाइन थीम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और साथ ही साथ शाम के वक्त कुछ हल्की म्यूज़िक के साथ बैंड यहाँ पर होंगे, कपल्स होंगे। अगर आप भी कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं, अपने लव वन को सरप्राइज़ करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।